जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, ट्रांसफर को लेकर आज एक नई खबर आई है। लिखा हुआ है, मंत्रियों की मांग हो सकती है पूरी, सीमित तबादलों के मिलेंगे अधिकार। आगे लिखा हुआ है कि पिछले कुछ समय से तबादलों पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे अधिकांश मंत्रियों की यह इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत से मंत्री चाह रहे थे कि तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाए, परंतु सरकार ने प्रतिबंध नहीं हटाया है। आगे लिखा है कि सरकार तबादलों से प्रतिबंध तो नहीं हटाएगी, पर मंत्रियों को उनके विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद जो जरूरी तबादले हैं उनको करने का अधिकार दे सकती है। इस प्रकार से मंत्री महोदय जो हैं अपने विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे लिखा है, इसके अलावा जिलों में भी अत्यंत सीमित तबादले करने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा। अर्थात मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय जिले के अंदर ट्रांसफर कर सकेंगे। आगे लिखा है, गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 2 सालों से अधिक समय से तबादलों पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। अभी जितने भी तबादले हो रहे हैं उसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री समन्वय में भेजने पड़ रहे हैं। अर्थात जो ट्रांसफर वर्तमान में हो रहे हैं वह जो है सीएम समन्वय से ही हो रहे हैं। आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण जो प्रस्ताव हैं काफ़ी दिनों तक लंबित रह जाते हैं। तत्कालीन शिवराज सरकार ने जो है वर्ष 2023 के विधानमंडल चुनाव को देखते हुए तबादलों पर प्रतिबंध नहीं हटाया था। लिखा हुआ कि चुनाव के बाद मोहन सरकार ने भी इसे जारी रखा। लोकसभा चुनाव के बाद संभावना थी कि कुछ समय के प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, पर इस बारे में निर्णय लगातार टलता रहा है। और मंत्रियों ने जो है पिछले दिनों अनौपचारिक चर्चा में माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे तबादला नीति जारी करने का और प्रतिबंध हटाने की बात कही थी, तो मुख्यमंत्री महोदय ने जो है दीपावली के बाद देखने का आश्वासन दिया था। सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का जो ड्राफ्ट है उसको तैयार कर रखा है, मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो है परीक्षाओं का समय आ गया है, इसलिए बड़ी संख्या में तबादले करने के पक्ष में सरकार नहीं है। उसके बाद भी विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रियों को जो है तबादले करने के कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। लिखा हुआ है कि विधानसभा सत्र से पहले दिए जा सकते हैं अधिकार। लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के कुछ कार्यपालन यंत्री अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो कुछ जो हैं एक स्थान से या एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए लंबा समय हो गया है। अर्थात बहुत से जो यंत्री वगैरह है, मतलब इंजीनियर वगैरह हैं, एक स्थान पर बहुत समय से डटे हुए हैं। सांसद और विधायकों ने भी कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को दिए हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए मंत्रियों को सीमित संख्या में तबादले करने का अधिकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफर से प्रतिबंध सरकार नहीं हटा रही है, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जो है मंत्रियों को ट्रांसफर करने का अधिकार देने वाली है, जिससे मंत्री महोदय जो हैं जो जरूरी तबादले हैं अपने विभाग के अंतर्गत कर सकेंगे। साथ ही जो प्रभारी मंत्री वगैरह हैं वे भी जिले के अंदर ट्रांसफर कर सकेंगे। तो साथियों, ये थी ट्रांसफर से संबंधित एक छोटी सी खबर। परंतु शासन को चाहिए, शासन जो है तबादलों से प्रतिबंध हटाए और पारदर्शी माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जारी करें, क्योंकि इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी। धन्यवाद।